नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है। मौर्य साम्राज्य, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक को देखा, अशोक की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, और जो हमारी पीछे की क्लास थी उसमें हमने अशोक के अभिलेखों को विस्तार से पढ़ा। अभिलेखों को तीन भागों में बांटा गया था, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। किसने पहली बार खोजा, कौन सा अभिलेख पहली बार पढ़ा गया, किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की, इन सारी बातों का अध्ययन हम पीछे करके आ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य को लेकर की, वो महत्वपूर्ण क्लास है और उस क्लास का नाम है मौर्य प्रशासन। जी हाँ, मौर्य प्रशासन। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन की, यानी कि मौर्यों के समय जो शासन व्यवस्था थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह कैसे चलता था या कैसे फंक्शन करता था। मौर्य प्रशासन में या मौर्य प्रशासन को कार्य करने में सबसे बड़ा सहयोग है कौटिल्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रशासन को या प्रशासन किस तरह से फंक्शन या कार्य करता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो मौर्य प्रशासन को लेकर के आज हमारी क्लास रहेगी, जिसमें मौर्य प्रशासन को या साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया, प्रधान साम्राज्य का प्रधान कौन होता था, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की कौन सी थी और सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की कौन सी थी, और उससे संबंधित प्रमुख मंत्री, प्रमुख विभाग की चर्चा हम करेंगे। तो सीधे देखते हैं मौर्य प्रशासन। तो भारत का पहला साम्राज्य या पहला वंश जिसके समय प्रशासन, जो प्रशासन था या मौर्य साम्राज्य था, वो एक विस्तार या एक सही क्रम से ज्ञात होता है। भारत का पहला ऐसा वंश है मौर्य साम्राज्य जिसके समय से प्रशासन एक सुव्यवस्थित तरीके से चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि सभी जो मंत्री थे, विभाग थे, अध्यक्ष थे, सभी को अपने कार्य अलग अलग लोगों को, अलग अलग विभाग को अलग अलग कार्य डिवाइड किए गए थे। ठीक है, तो मौर्यों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, तो अब उस साम्राज्य को बनाने के लिए प्रशासन का सबसे बड़ा योगदान था या सहयोग था। अगर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी है तो साम्राज्य बना रहेगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है तो साम्राज्य विखंडित हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तीनों ने ही मौर्य प्रशासन के दम पर या मौर्य उस एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर अपने प्रशासन या साम्राज्य को बनाए रखा था। तो प्रशासन में का जो सबसे बड़ा स्वामी या अधिकारी होता था या अध्यक्ष होता था वह राजा होता था। कौन होता था? राजा। प्रशासन का सर्वे सर्वा राजा होता था। राजा मौर्य काल में निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। लेकिन फिर भी प्रमुख अधिकारियों के द्वारा, निरंकुश होते हुए भी ये निरंकुश नहीं था, क्योंकि प्रमुख अधिकारियों के द्वारा इसको इसके कार्य बताए गए। ठीक है, तो उन कार्य, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता या कार्य करता। राजा अपने मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से परामर्श लेकर के अपने प्रशासन को जारी रखता था। तो राजा को निरंकुश होते हुए भी निरंकुश नहीं था, प्रशासन का सबसे बड़ा जो अध्यक्ष था वह कौन था? राजा था, मौर्य प्रशासन। तो अब देखें मौर्य प्रशासन या साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी, ठीक है, नोट करना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गांव प्रशासन की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। जो ग्राम का अधिकारी होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। गांव के अधिकारी को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और गांव के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। 10 गांव मिलकर के एक संग्रहण बनता था। कितने गांव मिलकर के? 10 ग्राम मिलकर के एक संग्रहण का निर्माण करते थे। ठीक है, तो 10 छोटे छोटे गांव मिलकर के एक संग्रहण का निर्माण करते थे। ठीक है, कुछ किताबों में 100 गांवों को मिलाकर के भी संग्रहण का निर्माण बताया गया है, लेकिन अपन अगर मान के चलें तो 10 गांवों को मिलाकर के किसका निर्माण हुआ? संग्रहण का निर्माण हुआ। फिर बात करूं मैं, 200 संग्रहण मिलाकर के, कितनी संग्रह, सॉरी, 200 गांव मिलाकर के, 200 गांव मिलाकर के एक खाटविक का निर्माण होता था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के बाद में संग्रहण है और संग्रहण के बाद में क्या है? खाटविक। तो 10 गांव मिलाकर के संग्रहण और 200 गांव मिलाकर क्या बनता था? एक खाटविक बनता था। जहां ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा गया था,
वहीं संग्रहण के अधिकारी को गोप कहा गया था। क्या कहा गया था? गोप कहा गया था। तो 200 गांवों को मिलाकर के खाटवीक बना, 400 गांवों को मिलाकर के द्रोणमुख बनता था, 800 गांवों को मिलाकर के स्थानीय बनता था। ठीक है, 800 गांवों को मिलाकर क्या बनता था? स्थानीय। उसके बाद जो प्रशासन की इकाई था वह था आहार या विषय। जैसे कि वर्तमान में जिला है, जैसे कि वर्तमान में जिला है, तो उस जिले की जैसा ही एक और प्रशासन की इकाई था जिसे आहार या क्या कहा गया था? विषय कहा गया था। और इसके अधिकारी को विषयपति कहा गया था। क्या कहा गया था? विषयपति। आहार या विषय के अधिकारी को विषयपति कहा गया था। ठीक है, आहार के बाद में जो प्रशासन की इकाई थी उसे मंडल कहा गया था, और मंडल का अधिकारी द्रोण मुख कहलाया। क्या कहलाया? द्रोण मुख। मंडल का अधिकारी द्रोण मुख कहलाया, और आहार या विषय का अधिकारी क्या कहलाया? विषयपति। तो विषय को हम जिले के रूप में रख सकते हैं और मंडल को हम संभाग के रूप में रख सकते हैं। तो संभाग या मंडल का अधिकारी कौन था? द्रोण मुख। इसके बाद नेक्स्ट जो इकाई थी प्रशासन की वह थी प्रांत। प्रांत का अधिकारी होता था कुमार। प्रांत का अधिकारी कौन होता था? कुमार। ठीक है, जिसे गवर्नर कहते। पीछे हमने जब बिंदुसार के समय तक्षशिला विद्रोह करवाया था, तो तक्षशिला विद्रोह के समय एक प्रांतीय गवर्नर जिसे कुमार कहा गया था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था जिसने तक्षशिला विद्रोह का दमन किया। तो प्रांत में मुख्यतः जो अधिकारी बनाकर के भेजा जाता था वह राज परिवार के लोग ही होते थे, जिनको क्या कहा गया था? कुमार कहा गया था। तो प्रांत का अधिकारी कौन है? कुमार। तो ये प्रशासन इस प्रकार से उनका साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। आप इसे नोट करना इंपॉर्टेंट है, 8 भाग है, सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। और अगर प्रांत के बाद में बात करेंगे तो सीधे आ जाएगा कौन सा प्रशासन? केंद्रीय प्रशासन। कौन सा प्रशासन आ जाएगा? केंद्रीय प्रशासन, जहां पे जैसे कि आज हमारे केंद्रीय प्रशासन की सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, तो उस समय का केंद्रीय प्रशासन का सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा या सम्राट होता था। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके अधिकारी को क्या कहा गया था? ग्रामीणी कहा गया था। फिर 10 गांवों को मिलाकर के एक संग्रहण का निर्माण होता था, इसके अधिकारी को गोप कहा गया था। 200 गांवों को मिलाकर के खाटवीक, 400 गांवों को मिलाकर के द्रोण मुख, 800 गांवों को मिलाकर के स्थानीय, और आहार स्थानीय के बाद जो बड़ी इकाई थी उसे आहार या विषय कहा गया था। वर्तमान जिले जैसी होती थी, और इसके अधिकारी को विषयपति कहा गया था। क्या कहा गया था? विषयपति कहा गया था। ठीक है, और मंडल के अधिकारी को क्या कहा गया था? एक सेकेंड, मंडल के अधिकारी को प्रदेष्ठा कहा गया था। द्रोण मुख तो एक इकाई खुद स्वयं है, मंडल के अधिकारी को क्या कहा जाएगा? प्रदेष्ठा कहा जाएगा। ठीक है, तो मंडल का अधिकारी प्रदेष्ठा कहलाएगा, प्रांत का अधिकारी कुमार कहलाएगा, और प्रांत में गवर्नर के रूप में जिसकी नियुक्ति की जाती थी वह राज परिवार के लोग होते थे या फिर राजकुमार होते थे। तो ये 8 हो गए हैं, आप इसको करेक्शन कर लेना कि मंडल का अधिकारी क्या कहलाएगा? प्रदेष्ठा कहलाएगा, प्रदेष्ठा या प्रादेशिक के नाम से उसे जाना जाएगा। तो ये मौर्य साम्राज्य कुल इतने भागों में बटा हुआ था, सबसे छोटी इकाई ग्राम और सबसे बड़ी इकाई केंद्रीय प्रशासन। ग्राम का अधिकारी ग्रामीण और केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी कौन होगा? राजा। अब हम इस प्रशासन की इकाइयों को क्रम से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रशासन की इकाई जो है वह है केंद्रीय प्रशासन। कौन सा प्रशासन है? केंद्रीय प्रशासन। सबसे बड़ा जो साम्राज्य का केंद्र था वह केंद्रीय प्रशासन था। यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक था या महत्वपूर्ण पद था वह राजा का था। ठीक है, सर्वोच्च कौन होता था केंद्रीय प्रशासन का? राजा होता था। उसके बाद अगर बात करें तो कौटिल्य ने केंद्रीय प्रशासन के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया है, या केंद्रीय प्रशासन में जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है अष्टादश तीर्थ, यानी 18 व्यक्तियों या 18 अध्यक्षों के द्वारा केंद्रीय प्रशासन को चलाया जाता था, और ये 18 सहयोग करते थे किसको? राजा। ठीक है, कौटिल्य ने केंद्रीय प्रशासन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, या राजा की सहायता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। उन मंत्रियों को अष्टादश तीर्थ कहा गया, सीधा सा अर्थ है 18 मंत्री। कितने मंत्री? 18। तो केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए
कौटिल्य ने कितने मंत्रियों की बात की है? तो कौटिल्य ने 18 मंत्रियों की बात की है। 18 मंत्रियों में से हम कुछ प्रमुख मंत्रियों की बात करेंगे और उनसे संबंधित कार्य देखेंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था राजा के बाद में, वह होता था मंत्री या पुरोहित। कौन सा पद था? मंत्री या पुरोहित। राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद मंत्री या पुरोहित होता था। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसका जो मंत्री था, पुरोहित था, वह कौन था? चाणक्य था। बिंदुसार के समय चाणक्य और खल्लटक दोनों थे, और अशोक के समय राधागुप्त था। तो सबसे बड़ा पद राजा के बाद में जो दूसरा होगा वह कौन सा होगा? मंत्री होगा, पुरोहित होता था। राजा को सभी प्रशासनिक कार्यों में सलाह दिया करता था, ठीक है। उसके बाद सेनापति, युवराज, राजा को उत्तराधिकारी जैसे युवराज का, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ प्रमुख मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, समाहर्ता। नेक्स्ट है समाहर्ता। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। राजस्व विभाग, राजस्व क्या है, ठीक है। तो राजस्व का तात्पर्य यह है कि जो जनता से कर या टैक्स आता था उसे ही क्या कहते थे? राजस्व कहते थे। तो राजस्व विभाग का जहां पर यह सारा एकत्रित होता था या इस पर जो नियंत्रण रखता था, इससे संबंधित जो नियम बनाता था, वह कौन था? समाहर्ता था। तो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जिसे क्या कहा गया था? समाहर्ता कहा गया था, ठीक है। पहला मंत्री या पुरोहित हो गया, उसके बाद युवराज, सेनापति, और नेक्स्ट होगा वो कौन होगा? समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट बात करते हैं सन्निधाता, ठीक है। सन्निधाता जिसे कहा गया था वह व्यक्ति था, सन्निधाता का पद से तात्पर्य है कोषाध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? कोषाध्यक्ष। सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा गया। उसके बाद जो होता था वह होता था सेनापति, ठीक है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी जिसे सेनापति कहा गया, लेकिन सेना का सर्वे सर्वा जो होता था वह कौन होता था? राजा या सम्राट स्वयं होता था। उसके बाद अगर सेना को संभालेगा तो कौन? सेनापति, ठीक है। तो सेनापति भी आप क्लियर कर लोगे, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा वो सेना। उसके बाद एक प्रदेष्टा और एक है व्यवहारिक, ठीक है। फौजदारी न्यायालय का प्रमुख या न्यायाधीश जिसे क्या कहा गया था? प्रदेष्टा। हम जब न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम चर्चा करेंगे प्रदेष्टा और व्यवहारिक दोनों की। तो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को या फौजदारी न्यायालय के प्रमुख को हम क्या कहते थे? प्रदेष्टा। तो जो फौजदारी मामले निपटाता था वह अधिकारी प्रदेष्टा कहलाता था। फौजदारी मामले जो निपटाता था वह अधिकारी क्या कहलाएगा? प्रदेष्टा। यहाँ फौजदारी मामलों से संबंधित बात यह है कि व्यक्ति या व्यक्ति के मध्य हुआ विवाद, व्यक्ति या राज्य के मध्य हुआ विवाद, तो ऐसे मामलों को समेटने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था? प्रदेष्टा था। कौन था? प्रदेष्टा। उसके बाद आता है व्यवहारिक। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख, ठीक है। दीवानी न्यायालय का प्रमुख। फौजदारी न्यायालय का प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता है और दीवानी न्यायालय का प्रमुख क्या कहलाता है? व्यवहारिक कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो दीवानी से संबंधित विवादों को निपटारा करता था वह व्यवहारिक कहलाएगा। ये अष्टादश तीर्थ में शामिल मंत्री है। नेक्स्ट है नायक। सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी था वह कौन था? नायक था। सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करने वाला कौन था? नायक था, ठीक है। तो सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा गया था? नायक कहा गया था। फौजदारी मामलों को समेटने वाला कौन है? प्रदेष्टा। दीवानी मामलों को समेटने वाला कौन है? व्यवहारिक है। दीवानी मामलों को समेटने वाला कौन है? व्यवहारिक। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाएगा? राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाएगा समाहर्ता। कोषाध्यक्ष किसे कहेंगे? कोषाध्यक्ष कहेंगे सन्निधाता को। कोषाध्यक्ष किसे कहेंगे? सन्निधाता। नेक्स्ट हमारा पद है कर्मांतिक, ठीक है। कर्म यानी कार्य करने संबंधित है। तो देश में जो उद्योग धंधे होते थे, ठीक है, देश में जो उद्योग धंधे होते थे उनसे संबंधित प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया था? कर्मांतिक कहा गया था, ठीक है। देश में उद्योग धंधों से संबंधित प्रमुख अधिकारी
या उद्योग धंधों पर निरीक्षण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा गया था? कर्मांतिक कहा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रशासता। प्रशासता कहेंगे हम पत्र विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो राजकीय कार्यों से संबंधित पत्र विभाग के प्रमुख को जिस नाम से पुकारा गया था वह था कर्मांतिक। ठीक है, तो जो भी पत्र से संबंधित कार्य था या राजकीय सूचनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य, ठीक है, राजकीय सूचनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य जिसके पास था वह कौन था? प्रशासता। तो अष्टादश तीर्थ में थे आपके पास ये प्रमुख 9 अधिकारी हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, अष्टादश तीर्थ की बात करने वाला जो व्यक्ति है वह कौटिल्य है। 18 मंत्रियों की बात की थी, इनका कार्य था राजा को सलाह या परामर्श देने का। सबसे बड़ा अधिकारी जो था वह मंत्री या पुरोहित था। उसके बाद में समाहर्ता था, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कहेंगे। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सेना का सर्वे सर्वा सेनापति, लेकिन उससे पहले भी कौन? राजा। प्रदेश था फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी या न्यायाधीश जो फौजदारी मामलों को सुलटाएगा। दीवानी न्यायालय के प्रमुख अधिकारी को व्यवहारिक कहा गया। नायक सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करने वाला नायक। कर्मांतिक देश में उद्योग धंधों पर निरीक्षण रखने वाला या उनसे संबंधित प्रमुख अधिकारी कर्मांतिक। और पत्र विभाग का प्रमुख जो होगा वह कहलाएगा प्रशासता। पत्र विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहेंगे? प्रशासता, या फिर राजकीय कार्यों को लिपिबद्ध करने वाला जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? प्रशासता। ठीक है, अब बात करते हैं हम मंत्रिपरिषद की। तो कौटिल्य ने कुछ विभाग बताए और उनसे संबंधित कुछ अध्यक्ष बताए। अगर पूछें कि कौटिल्य ने कितने विभाग बताए तो 26। अष्टादश तीर्थ कितने मंत्री की बात की थी? 18। तो 26 विभाग और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख अधिकारी जिनका जिक्र कौटिल्य ने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र में किया है। किसमें किया है? अर्थशास्त्र में। तो अपन बात करते हैं लक्षणाध्यक्ष की। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? मुद्रा व टकसाल से संबंधित प्रमुख विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, नाम आ रहा है लक्षणाध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो है। किसका अध्यक्ष है? मुद्रा व टकसाल से संबंधित प्रमुख विभाग का अध्यक्ष। तो जहां पर टकसाल, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, मुद्रा का निर्माण होता है, उसकी विभाग के अध्यक्ष को जो कहा गया था उसका नाम क्या था? लक्षणाध्यक्ष। इनसे संबंधित और इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे सुमेलित करने संबंधित। आपको 4 विभाग दिए जाएंगे और 4 अध्यक्ष दिए जाएंगे और कहा जाएगा इन्हें सुमेलित कीजिए। तो उसी में पहला हमारा है लक्षणाध्यक्ष। तो मुद्रा व टकसाल से संबंधित प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया था? लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट है पोतवाध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष है? पोतवाध्यक्ष। तो हम बात करेंगे नाप व तोल से संबंधित प्रमुख विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, तो नाप की इकाई व तोल की इकाई डिसाइड करनी होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लीटर, 1 किलो। तो उसी प्रकार से 1 लीटर में कितना दूध होगा या 1 किलो में कितनी चीज आएगी, 1 मीटर में कितनी चीज होगी, तो उस चीज को डिसाइड करने वाला जो व्यक्ति था या उस पर जो निरीक्षण रखने वाला जो व्यक्ति था उसको क्या कहा गया था? पोतवाध्यक्ष कहा गया था, जो नाप व तोल से संबंधित प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष। शुल्क, टैक्स। तो राजकीय कर, ठीक है, राजकीय कर या राजकीय शुल्क या सीमा शुल्क, इन सब को डिसाइड करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया था? शुल्काध्यक्ष। जैसे किस व्यक्ति पर या किस चीज के लिए कितना जुर्माना लगना है, उस सब चीज की बात जिसमें की जाती है वह कहलाता है शुल्काध्यक्ष। तो राजकीय कर, ठीक है, राजकीय शुल्क, जुर्माने से संबंधित जो अधिकारी था वह कौन था? शुल्काध्यक्ष था। नेक्स्ट है सीताध्यक्ष। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सीता क्या है? राजकीय भूमि को सीता कहा जाता है। ठीक है, जो राजा के अंडर में जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? सीता कहा जाता है। तो एक तरह से भूमि को सीता ही कहा गया था, तो राजकीय भूमि को सीता कहा गया था और राजकीय भूमि से संबंधित प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाएगा? सीताध्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो राजकीय भूमि से संबंधित प्रमुख अधिकारी क्या कहलाएगा? सीताध्यक्ष। राजकीय भूमि से संबंधित प्रमुख अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, सीताध्यक्ष। राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी को क्या कहा जाएगा? सीता।
तो सीता कहा गया है राजकीय भूमि को, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, सीता देश कहलाएगा। नेक्स्ट है पण्या देश। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा की इकाई थी उसे पण कहा गया था। क्या कहा गया था, पण। तो मुद्रा से संबंधित कार्य करने वाले को पण्या कहा गया था, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रमुख अधिकारी को पण्या देश कहा गया था, ठीक है। व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रमुख अधिकारी को पण्याध्यक्ष कहा गया था। व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया था, पण्याध्यक्ष। ये कुछ विभाग, कुछ अध्यक्ष। अगर आपको पूछा जाए कि कौटिल्य ने प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में कुल कितने विभागों की बात की है, तो 26 विभागों की बात की है और उनकी 26 ही अध्यक्ष है। लेकिन अपन ने यहाँ पे कुछ प्रमुख विभाग देखे हैं और कुछ प्रमुख अध्यक्ष देखे हैं, ठीक है। उसी में एक है नवाध्यक्ष, और नवाध्यक्ष कहा गया था नौसेना के अध्यक्ष को, ठीक है। नौसेना, नवाध्यक्ष कहा गया था नौसेना के अध्यक्ष को। तो ये मौर्य प्रशासन कुल कितने भागों में बटा, केंद्रीय प्रशासन देखा हमने कि केंद्रीय प्रशासन में राजा और उसके 18 मंत्री और उसके 26 विभाग उस राजा को कार्यों में सलाह देते। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आज वर्तमान में मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, और मंत्री परिषद में भी एक होता है मंत्री मंडल, या जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट। तो आप अष्टादश तीर्थ को कैबिनेट मंत्री के तौर पर याद कर सकते हो, समझ सकते हो, और विभाग और उनके अध्यक्ष को आप मंत्री परिषद से संबंधित रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के बाद जो प्रशासन होगा वह प्रशासन होगा कौन सा, प्रांत। कौन सा होगा, प्रांत। तो मैं इसको मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रांतीय शासन, ठीक है। बात करते हैं अपन केंद्रीय शासन के बाद में जो शासन है वह शासन है प्रांतीय शासन, ठीक है। तो केंद्रीय शासन के बाद में जो शासन था उसे क्या कहा गया था, प्रांत कहा गया था, और प्रांत के अध्यक्ष को क्या कहा था, कुमार। पीछे हमने जिक्र किया था कि केंद्रीय सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और सबसे बड़ी इकाई केंद्र थी। केंद्र के बाद में जो आते हैं उन्हें क्या कहा गया था, प्रांत कहा गया था। प्रांत का जो अधिकारी था वह कौन था, कुमार था। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी जिसे गवर्नर कहा जाता था उस पद पर केवल और केवल राजकीय परिवार से संबंधित व्यक्ति या कोई प्रमुख व्यक्ति या फिर किसी युवराज या राजकुमारों की ही नियुक्ति की जाती थी। जैसे पीछे हमने चर्चा की थी कि तक्षशिला के विद्रोह के समय उज्जैन का प्रांतीय अधिकारी कौन था, तो वह कौन था, अशोक, ठीक है। तो प्रांत का अधिकारी कुमार कहलाता है। लेकिन अपन देखेंगे कितने प्रांत थे, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या थी 4, और अशोक के समय प्रांतों की संख्या थी 5। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 और अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी, 5। प्रांत का संबंध अपन राज्य से ले सकते हैं कि जैसे वर्तमान भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो उसी प्रकार से प्रांतों की संख्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय कितनी, 5। क्लियर है, याद कर लेना आंकड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है। अशोक के समय एक प्रांत बढ़ गया था, वह कौन सा प्रांत बढ़ा, आप आंसर करें, सोचो अपने दिमाग में कौन सा प्रांत बढ़ा था अशोक के समय। वह प्रांत बढ़ा था जिसका नाम था कलिंग। कौन सा था, कलिंग। तो कलिंग को जीत लेने के बाद अशोक के प्रांतों की संख्या 5 हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितनी, 4। तो अपन उन प्रांतों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रांत हैं, ठीक है। पहले प्रांत का नाम है उत्तरापथ, एक प्रांत है जिसका नाम है दक्षिणापथ, एक प्रांत है जिसका नाम है उज्जैन या उज्जैनी, एक प्रांत है जिसका नाम है प्राच्य। कौन सा, प्राच्य।
प्राचीन। चार प्रांत हो गए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पांचवा प्रांत है जिसका नाम है कलिंग, और कलिंग और ये प्रांत हो गए किसके समय, अशोक के समय। तो अशोक के समय जिस प्रांत जो प्रांत बढ़ा था वह कौन सा था, कलिंग। अगर आपके पास प्रांत है तो प्रांत की राजधानियां भी होनी चाहिए, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है और राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो भारत की प्रांत है राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो उसी प्रकार से अशोक या मौर्य साम्राज्य में ये प्रांत थे तो इनके भी कैपिटल होंगे, इनकी भी राजधानियां होगी। तो उत्तरापद, दक्षिणापद, उज्जैन, प्राच्य, कलिंग, इन पांचों की पांच राजधानियां जिक्र करते हैं अपन। सबसे पहले उत्तरापद की राजधानी का, तो उत्तरापद की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। दक्षिणापद की जो राजधानी थी उसका नाम था सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। उज्जैन की जो राजधानी थी, एक सेकेंड, इस प्रांत का नाम था अवंती, और अवंती प्रांत और प्रांत की राजधानियां। नेक्स्ट है अवंती। ठीक है, जो प्रांत था उसका नाम था अवंती, करेक्शन करेंगे आप, जो प्रांत था उसका नाम था अवंती और जो इसका कैपिटल था या इसकी राजधानी थी उसका नाम था उज्जैन। ठीक है, और राजधानियों के नाम से ही वो प्रांत जाने गए थे। आप पीछे देखेंगे तक्षशिला में विद्रोह, उज्जैनी का गवर्नर। ठीक है, प्राच्य, प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, प्राच्य प्रांत का नाम था और राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र प्राच्य के साथ साथ संपूर्ण साम्राज्य की भी राजधानी थी, संपूर्ण साम्राज्य की भी राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र प्राच्य के साथ साथ संपूर्ण साम्राज्य की भी क्या थी, राजधानी। तो चार प्रांत आ गए आपके पास और चार आ गई है राजधानी। इसके बाद है कलिंग, और कलिंग की अशोक ने विजय करने के बाद में दो राजधानी बनाई, एक राजधानी जिसका नाम था तोसिल और एक राजधानी जिसका नाम था समापा। ठीक है, तोसिल और समापा। तो प्रशासन की दृष्टि से ही उसने कलिंग को दो भागों में बांटा और उसकी दो राजधानी, ताकि विद्रोह हो तो उन्हें आसानी से दबाया जा सके। बंगाल विभाजन, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट, तो राजाओं की अच्छी नीति थी। तो कलिंग को दो भागों में बांट करके उसकी दो राजधानियां बनाई, तोसिल और समापा। तो ये पांच प्रांत और उसकी पांच क्या थी, राजधानियां, इंपॉर्टेंट है, याद करो कि सुमेलित करवाया जाता है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो संपूर्ण साम्राज्य क्या थी, राजधानी। अशोक के समय पांच प्रांत हो गए, कलिंग की राजधानी तोसिल और समापा। इसके बाद जो प्रशासन की इकाई आती है उसका नाम है नगर। ठीक है, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके बाद जो प्रशासन की इकाई आती है उसका नाम है नगर, और नगर की बात करें, नगर कौटिल्य नगर के प्रशासन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करता है, और कौटिल्य नगर के प्रशासन के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसके कहते हैं नगराध्यक्ष। कौटिल्य कहता है कि नगर का प्रशासन एक व्यक्ति के द्वारा, यह एक व्यक्ति उसका प्रमुख होता था और उस प्रमुख का नाम था नगराध्यक्ष। लेकिन मेगस्थनीज, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी बुक का जो नाम था वह बुक थी इंडिका। कौन सी बुक थी, इंडिका। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और मौर्य प्रशासन के बारे में लिखता है, और मौर्य प्रशासन उसके जो मंत्री हैं उनके बारे में जो अच्छी जानकारी मिलती है या विस्तृत जानकारी मिलती है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका मिलती है। लेकिन वर्तमान में इंडिका नहीं है, कुछ विद्वानों के द्वारा इंडिका का सार अपनी पुस्तक में लिखा गया है जिससे हमको इंडिका की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे एरियन, प्लूटो, जस्टिन, स्ट्रैबो, इन सभी ने मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका को, इंडिका के बारे में अपने ग्रंथ में लिखा है। तो मेगस्थनीज नगर के प्रशासन के लिए छह अधिकारियों की बात करता है। कितने अधिकारी, छह अधिकारियों की बात करता है, और ये छह अधिकारी प्रत्येक छह समिति की बात करता है। किसकी बात करता है, छह समिति की।
अब प्रत्येक समिति में पांच व्यक्ति होते थे, कितने व्यक्ति होते थे, पांच व्यक्ति होते थे। तो टोटल अगर अपन व्यक्तियों की बात करेंगे या टोटल कितने व्यक्तियों के द्वारा नगर का प्रशासन चलाया जाता, तो 6×5=30। पूछा जा सकता है कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नगर प्रशासन के लिए कुल कितने व्यक्तियों के कुल कितने व्यक्तियों का योगदान की बात कही है, तो 30। तो 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 व्यक्तियों के होते थे, वे पांचों व्यक्ति मिलकर के अपनी समिति का कार्य करते थे, और ऐसे में टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। अब वह समिति कौन कौन सी होती थी, जैसे कि जनसंख्या समिति, नेक्स्ट है कर समिति, विदेश समिति, शिल्प कला समिति, ठीक है, शिल्प कला समिति, उद्योग व्यापार समिति, ठीक है, जनसंख्या समिति, कर समिति, विदेश समिति, उद्योग व्यापार समिति, शिल्प कला समिति, और नेक्स्ट है वस्तु निरीक्षण समिति। इंपॉर्टेंट है कि मैगस्थनीज ने कुल 6 समितियों का उल्लेख किया है, और ये 6 समितियां 5-5 व्यक्तियों से निर्मित थी। अब कौन कौन समिति, पहली समिति जनसंख्या, तो जनसंख्या समिति का कार्य था जन्म मरण मृत्यु का पंजीकरण करना, जन्म का पंजीकरण करना और मृत्यु का पंजीकरण करना, ठीक है, तो रिकॉर्ड रखा जाता था कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों का नया जन्म हुआ है, ठीक है, तो जनसंख्या समिति होगी। नेक्स्ट है कर समिति, कर पर नियंत्रण, कर लगाना, कर पर नियंत्रण लगाना, ठीक है, जुर्माना शुल्क लेना, इससे संबंधित समिति। विदेश समिति से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति विदेश, विदेश यानी कि दूसरे प्रांत या दूसरे देश से जो आने वाले लोग थे उन पर नियंत्रण रखना, ठीक है, उनके लिए खाने पीने की और रहने की व्यवस्था करना, ये सारा कार्य किसके पास था, विदेश समिति के पास था। तो कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित समिति कर समिति, जनसंख्या पर नियंत्रण रखने संबंधित विदेश समिति, शिल्प कला संबंधित, तो जो भी शिल्प कला से संबंधित, शिल्प कला का जो कार्य था उससे संबंधित समिति, उद्योग व्यापार समिति, ठीक है, उद्योगों पर नियंत्रण रखना, व्यापार पर नियंत्रण रखना, ठीक है, कि कौन सा व्यापार किस तरह से किस देश में कितना टैक्स कितना शुल्क क्या उसका वस्तु मूल्य होगा, वो सारी चीजें उद्योग व्यापार समिति के पास में थी। और नेक्स्ट समिति थी जिसका नाम था वस्तु निरीक्षण समिति, तो बाजार में मिलने वाली वस्तुओं पर, बाजार में मिलने वाली वस्तुओं पर मिलावट पर रोक लगाने से संबंधित जो समिति थी वो कौन सी थी, वस्तु निरीक्षण समिति थी। तो ये नगर के प्रशासन की बात है। अगर कौटिल्य के बारे में पूछा जाए कि कौटिल्य नगर प्रशासन के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसका नाम है नगराध्यक्ष, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है और प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति होते थे, टोटल 30 व्यक्ति, और उन समितियों के नाम ये है जनसंख्या समिति, कर समिति, विदेश समिति, शिल्प कला समिति, उद्योग व्यापार समिति और वस्तु निरीक्षण समिति। तो आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे सैनिक प्रशासन को लेकर के, न्याय प्रशासन को लेकर के, और मौर्य साम्राज्य से बचे हुए संबंधित कुछ और विशेष महत्वपूर्ण बातों पर। धन्यवाद।